स्टेशन पर अरविंद केजरीवाल पणजी और वास्को में की मछुआरों से मुलाकात 40 में से 35 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत का दावा किया। गोवा में मछुआरों के बीच अरविंद केजरीवाल का केंद्र पर हमला बोले आधे सूबे का चौथाई सीएम हूं लेकिन आम आदमी पर नहीं होने दिया अन्याय। गोवा में केजरीवाल का सियासी दांव मछुआरों के बीच बोले भगवान देता है रोजी रोटी का हक नहीं छीन सकती सरकार। प्रधानमंत्री की नाराजगी के सवाल पर सुब्रमण्यम स्वामी ने साधी चुप्पी बीजेपी सांसद ने आज तक के कैमरे पर कहा धन्यवाद। पीएम की नसीहत पर सुब्रमण्यम स्वामी ने किए दार्शनिक ट्वीट मोदी ने रघुराम राजन और अरुण जेटली पर हमले को लेकर जताई थी नाराजगी। एयर इंडिया की फ्लाइट में देरी से केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू नाराज कहा करीब 1.5 घंटे के इंतजार के बाद लौटे घर बोले छूट गई अहम बैठक। पायलट के नहीं पहुंचने से फ्लाइट में हुई देरी वेंकैया नायडू ने एयर इंडिया से मांगा जवाब ट्वीट किया जरूरी है जवाबदेही और पारदर्शिता। वेंकैया नायडू की नाराजगी के बाद एयर इंडिया ने दी सफाई ट्रैफिक जाम में फंसा था पायलट जांच के आदेश। कल 7वें वेतन आयोग को लागू करने पर फैसला ले सकती है मोदी कैबिनेट आयोग की सिफारिश से ज्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद। कल तय होगी संसद के मानसून सत्र की तारीख जुलाई के तीसरे हफ्ते से शुरुआत के आसार। नहीं बढ़ेगी काले धन को सार्वजनिक करने की डेडलाइन बैंकों और उद्योग समूहों ने वित्त मंत्री से मांगी थी मोहलत पीएम ने खींची है 30 सितंबर की डेडलाइन। एनएसजी में चीन की भारत विरोधी भूमिका को लेकर स्वदेशी जागरण मंच का विरोध चीनी दूतावास के सामने प्रदर्शन। देहरादून में ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों पर पुलिस ने लाठी चलाई नौकरी स्थायी करने की मांग को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। सुधींद्र कुलकर्णी के कार्यक्रम में शिवसेना के कार्यकर्ताओं का हंगामा पाकिस्तानी फोटो पत्रकारों के विरोध में खोला मोर्चा। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस के प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने तैयार किया प्रस्ताव रायबरेली और अमेठी के बाहर भी प्रचार कर सकती हैं प्रियंका। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर यूपी में सियासत तेज केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया बोले बीजेपी में आएंगे तो स्वागत। विलय रद्द होने के बाद कौमी एकता दल के बदले बोल मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने समाजवादी पार्टी पर लगाया धोखा देने का आरोप। अखिलेश की नाराजगी के बाद रद्द हुआ कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय अफजाल अंसारी बोले जनता का पैसा लूट रही है यूपी सरकार। आज तक के ऑपरेशन दंगा को लेकर बीजेपी में हड़कंप यूपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य बोले सच्चाई पता लगाने के बाद हुई कार्रवाई। आज तक के ऑपरेशन दंगा पर सियासत गर्म मायावती ने बीजेपी और एसपी पर साधा निशाना कहा समाज को बांटने में जुटी हैं दोनों पार्टियां। आज तक स्टिंग से यूपी में बीजेपी और एसपी नेताओं से हटा नकाब लाखों लेकर मजहबी हंगामा करवाने के ठेके का खुलासा। बीजेपी विधायक कपिल देव अग्रवाल ने स्टिंग की हकीकत से किया इनकार कहा मुझे याद नहीं मैंने ऐसा कुछ कहा। गुरुग्राम में गो तस्करों को गोबर खिलाने के मामले में गरमाई सियासत कांग्रेस ने हरियाणा की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। दो कथित दो गोद रक्षा अभियान के लोगों ने ठाया कहर फायरिंग के आरोप में गोबर खाने के लिए किया मजबूर। कथित गो तस्करों को गोबर खिलाने के मामले में खाली है पुलिस के हाथ अब तक नहीं मिली है शिकायत। जम्मू कश्मीर विधानसभा में सुरक्षा को लेकर बीजेपी विधायकों का हंगामा अपनी ही सरकार से सिक्योरिटी के एहतियाती कदम को लेकर दागे सवाल। पंपोर आतंकी हमले में बड़ा खुलासा लश्कर प्रमुख हाफिज सईद के दामाद खालिद वलीद ने संभाल रखी थी कमान पाकिस्तान से दे रहा था दहशतगर्दों को निर्देश। पंपोर आतंकी हमले पर गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक एनएसए अजीत डोवल और दूसरे अधिकारियों के साथ गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की चर्चा। पंपोर हमले के बाद सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय ने लिए कई फैसले अर्धसैनिक बलों के काफिले की गाड़ियों में लगेंगे मेटल प्लेट। पंपोर हमले के बाद अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए एहतियाती कदम गृह मंत्रालय ने भेजी अर्धसैनिक बलों की ज्यादा टुकड़ी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में मुठभेड़ में मारा गया एक आतंकी हिजबुल का कमांडर था समीर वानी। आतंकियों के साथ मुठभेड़ के बाद बढ़ा तनाव स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों और पुलिस पर किया हमला। सोपोर का रहने वाला था हिजबुल कमांडर समीर वानी गांव वालों का भड़का गुस्सा लाश लेकर पहुंची पुलिस वैन में लगाई आग। एलओसी के करीब नौगाम में घुसपैठ की खबर के बाद अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां इलाके में सेना ने चलाया सर्च ऑपरेशन। हिजबुल कमांडर बुरहान वानी का एक और वीडियो वायरल आतंकियों के साथ खेलता दिख रहा है क्रिकेट।
एनआईए अफसर तंजील अहमद की हत्याकांड में यूपी एसटीएफ की बड़ी कामयाबी, ग्रेटर नोएडा के बिसरक से धरा गया मुख्य आरोपी मुनीर। तंजील अहमद केस के मुख्य आरोपी मुनीर ने कैमरे पर कबूला गुनाह, कहा जो किया उसका दुख नहीं। तीन हथियारों के साथ धरा गया मुनीर, एसटीएफ का दावा तंजील अहमद की हत्या के लिए चलाई थी 18 राउंड गोलियां। मुनीर पर रखा गया था 2 लाख रुपए का इनाम, पुलिस का दावा। दिल्ली में एटीएम से 1.5 करोड़ की लूट समेत कुल 3 करोड़ की लूट का आरोप। नवंबर 2015 में दिल्ली के कमला नगर के एटीएम से मुनीर ने की थी 1.5 करोड़ की लूटपाट, गार्ड की हत्या करके वारदात को दिया था अंजाम। मालेगांव धमाका केस में साध्वी जयपुर में बिजली विभाग के मीटर रीडर की खुदकुशी, सुसाइड नोट में लिखा प्रधानमंत्री जी कब आएंगे अच्छे दिन। खुदकुशी से पहले कार में बैठकर लिखी सुसाइड नोट, सूदखोरों से परेशान चल रहे थे रमेश अग्रवाल, अच्छे कामों के लिए सीएम ने किया था सम्मानित। जयपुर के अस्पताल में 3 साल की बच्ची से रेप का आरोपी अलवर से गिरफ्तार, महाराष्ट्र से काम की तलाश में आई थी बच्ची की मां। पश्चिम बंगाल के मालदा में 13 साल के बच्चे की लाश मिलने से हड़कंप, अगवा करने के बाद हत्या, लोगों ने विरोध में किया जाम। मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्लेटफॉर्म से चोरी हुई 2.5 साल की बच्ची, सीसीटीवी में दिखा बदमाश। बिहार के बेगूसराय में ट्रिपल मर्डर, छत पर सो रहे थे अमित कुमार, उनकी पत्नी प्रियंका और 3 साल के बेटे आर्यन। राजस्थान के झालावाड़ में एक पिता ने की 4 साल की दिव्यांग बेटी की हत्या, पड़ोसी को हत्या के आरोप में फंसाने के इरादे से वारदात को दिया अंजाम। यूपी के लखीमपुर खीरी में सीजेएम कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, चिट्ठी मिलने के बाद पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई। गुजरात के राजकोट में पुलिस वालों ने बीच सड़क ऑटो ड्राइवर को पीटा, पुलिस की गाड़ी से टकरा गया था ऑटो। पंजाब के संगरूर में हॉरर किलिंग, फौजी पर बेटी की हत्या का आरोप, प्रेम विवाह से थे नाराज। पूर्वी दिल्ली में पुलिस के हत्थे चढ़ा लुटेरा गिरोह, लूटपाट के बाद झूठी कहानी बनाकर पुलिस की मदद से करा रहा था इलाज। दिल्ली में 5-स्टार होटल का पूर्व कुक गिरफ्तार, मंदिर की गुफा से चुराया था माता का मुकुट और लाखों का हार। सीसीटीवी की मदद से धरा गया माता का मुकुट चुराने वाला शातिर चोर, ब्लू रंग की 52 नंबर की टी शर्ट से मिला क्लू। दिल्ली में करंट लगने से मणिपुर की छात्रा की मौत, एमबीबीएस एंट्रेंस की तैयारी के लिए किराए पर लिया था कमरा। हरियाणा के सोनीपत में नेशनल हाईवे नंबर 1 पर डिवाइडर से टकराई स्कॉडा कार, 2 की मौत। कानपुर में पेंट कारोबारी पर जानलेवा हमला, पुलिस को आपसी रंजिश में फायरिंग का शक। तमिलनाडु में 5 युवकों की जान पर भारी पड़ा रेसिंग का शौक, सामने से आ रही वैन ने मारी टक्कर, मौके पर मौत। जोधपुर में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पुलिस वालों की दादागिरी, नशे में धुत सिपाहियों को लिफ्ट नहीं दी तो जमकर पिटाई। कोलकाता में नशे में धुत 4 लोगों पर पुलिस पर हमले का आरोप, पुलिस का दावा सार्वजनिक जगह पर शराब पीने से मना करने पर भड़के थे। राजस्थान के सवाई माधोपुर में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की पिटाई, लड़की के परिवार वालों पर हवाई फायरिंग करके भाग रहा था युवक। थाने में कैश डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के दफ्तर से 12 करोड़ की लूट, अज्ञात हथियारबंद बदमाश ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली में जेल में बंद 2 मुजरिमों ने रची हत्या की साजिश, सुपारी देकर करवाया विरोधी का मर्डर, पुलिस ने दबोचा। मेरठ के गंगानगर में घर से बुलाकर टीचर की हत्या, पैसे के लेन देन में वारदात का शक। सामने आया मुंबई लोकल की छत पर चढ़कर स्टंट करने वाले युवक का वीडियो, मोबाइल में कैद तस्वीर। दिल्ली में बीच सड़क चले लात घूसे, एक दिन पहले हुई रोड रेज की घटना को लेकर बवाल। मालेगांव धमाका केस में साध्वी प्रज्ञा को नहीं मिली जमानत, मुंबई की मकोका कोर्ट ने खारिज की याचिका। जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका डालेंगी साध्वी प्रज्ञा, पिछले 8 सालों से भोपाल की जेल में कैद मालेगांव धमाके की आरोपी। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे यौन शोषण के आरोपी आसाराम, हाईकोर्ट के आदेश पर हो रही है बीमारियों की जांच। गैंगस्टर कुमार पिल्लई को 7 जुलाई तक पुलिस हिरासत, सिंगापुर में गिरफ्तारी के बाद लाया गया था मुंबई। हत्या और वसूली के 8 मामलों में मुंबई पुलिस को थी कुमार पिल्लई की तलाश, फरवरी में सिंगापुर से हुई थी गिरफ्तारी। डेंगू ने दिल्ली में मचाया हड़कंप, इस साल अब तक 28 मामलों की पुष्टि, टूट गया पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड। 30 जून से दिल्ली में दस्तक देगा मॉनसून, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों में उत्तर भारत में अच्छी बारिश का अनुमान। मध्य प्रदेश के मांडला में मूसलाधार बारिश, शहर में पानी भरने से हाहाकार, कई जगहों पर फंसी गाड़ियां।
राजस्थान के पाली में झमाझम बारिश ने बढ़ाई मुश्किल, उफनते नाले में फंसा पत्थर से लदा ट्रैक्टर। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में मॉनसून की मूसलाधार बारिश, भीषण गर्मी से राहत लेकिन शहर में पानी भरने से लोगों की बड़ी मुसीबत। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में धूमधाम से मनाया गया ऐतिहासिक मौड़ मेला, हजारों की तादाद में लोगों ने एक साथ नदी में पकड़ी मछलियां। जूनागढ़ में मूंगफली के खेत में घुसा मगरमच्छ, करीब दो घंटे में वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। गीर के गायों को लेकर जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों का बड़ा दावा, कहा गोमूत्र में मिले सोने के कण। इलाहाबाद में व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, तीन राज्यों के दिव्यांग खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में 105वें नंबर पर पहुंचा भारत, पिछले साल के मुकाबले 5 पायदान की गिरावट। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में सर्किल रेट में 15% की कमी, फ्लैट्स और छोटे प्लॉट्स की खरीदारी में तेजी की उम्मीद। मंगलवार को बढ़त के साथ बंद हुए शेयर बाजार, 121 अंक बढ़कर 26,524 पर बंद। शुरुआती मजबूती को बरकरार रखने में नाकाम रहा रुपया, बगैर बदलाव के डॉलर के मुकाबले 67.95 रुपये पर बंद। आरबीआई ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर जताया भरोसा लेकिन एनपीए पर चिंता, सितंबर मार्च में बैंकों के ग्रोस एनपीए में 7.5% का इजाफा। एयर एशिया ने हवाई किरायों के मैदान में छिड़ी नई जंग, 10 जुलाई तक टिकट बुक कराने पर 786 रुपये का ऑफर। कल से बेंगलुरु में लगेगा टीम इंडिया का कैंप, मिशन वेस्टइंडीज के लिए 6 दिन तक चक्रव्यूह रचेंगे विराट कोहली और अनिल कुंबले। न्यूजीलैंड के भारत दौरे की तारीखों का ऐलान, 22 सितंबर से कानपुर में होगा पहला टेस्ट, वनडे सीरीज 16 अक्टूबर से शुरू होगी, पहला वनडे धर्मशाला। विराट कोहली ने खोला फिटनेस का राज, कहा आईपीएल 2012 के बाद बदला फिटनेस पर नजरिया, इतना फिट पहले कभी नहीं रहा। टीम इंडिया के कोच पद की होड़ में पिछड़ने पर सौरव गांगुली पर बरसे रवि शास्त्री, इंडिया टुडे से कहा मेरे प्रति गांगुली ने दिखाया असम्मान। स्पेन को 2-0 से हराकर इटली यूरो कप के क्वार्टर फाइनल में, आइसलैंड से हारकर इंग्लैंड बाहर। ओरलैंडो कांड के बाद आईसिस ने जारी किया नया वीडियो, सैन फ्रांसिस्को और लास वेगस में हमले की धमकी। लंदन के सेंट पॉल कैथेड्रल इलाके में बम की खबर से हड़कंप, लोगों को खाली कराकर पुलिस ने की संदिग्ध पैकेट की खोज। चीन के शिजवान में भारी बारिश से कोहराम, भूस्खलन की वजह से हाईवे पर लगा लंबा जाम। अब भी सुलग रही है कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग, लेकिन अपने घर लौटने की कोशिश में जुटे लोग। देसी उड़ानों के लिए चीन ने तैयार किया 2 इंजनों वाला जेट प्लेन, शंघाई से चेंगदू तक 70 मुसाफिरों की फ्लाइट। कोलंबिया में हादसे का शिकार हुआ है MI-17 हेलीकॉप्टर, 17 अमरीकी जवानों की मौत, राहत और बचाव का काम जारी। अमेरिका में दिन दहाड़े फायरिंग, 2 लोगों की मौत, हमलावर को ढूंढ रही है पुलिस। मलेशिया के पुचोंग में एक बार पर ग्रेनेड हमला, एक चीनी नागरिक समेत 8 लोग जख्मी। सीरिया में चल रही लड़ाई का लेबनान तक असर, एक ईसाई बहुल गांव पर आत्मघाती हमला, 5 की मौत। परू में ड्रग्स माफिया के खिलाफ मुहिम के 25 साल पूरे, करीब 8 टन नशीली दवाओं की खेप को पुलिस ने किया आग के हवाले।